नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ईस्टमैन का सोलर पीसीयू PWM है ये, जिस इस सीरीज का नाम है तेजस। ये अपना 2750 24 वोल्ट। अब इसकी हम लोड चेक करें भाई, कितना ही लोड उठा सकता है। इसका मॉडल नंबर है EPT 2750 24 वोल्ट। तो अभी हमने इस पर लोड चला के लोड भी साथ के साथ चेक कर लेते किलोमीटर से। तो किलोमीटर हमने DC पे लगा लिया है। चलाऊं 84 एम्पियर चले हुए हैं अभी। तो इसके LCD डिस्प्ले है, आपको डिस्प्ले में चेंज करना हो तो इस ये बटन दे रखा है, ये बटन को दबाते रहो, आपका डिस्प्ले में हर प्रोग्राम चेंज होता रहेगा आपका। आपको कोई भी स्टेटस चेक करना हो तो खाली जो आगे जो बटन है ये खाली आपका स्टेटस चेक कर सकते हो, आप इसे कोई स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। कोई भी आपको चार्जिंग बढ़ानी हो घटानी हो या UPS या WUPS पे सिलेक्ट करना हो कोई भी सिस्टम, तो इससे नहीं होगा। इसे खाली आप देख सकते हो कितना परसेंट लोड या जो भी चल रहा है इसमें डिस्प्ले में। आपको कोई भी फीचर चेंज करनी है तो इन्वर्टर के बैक पैनल पे लगे हुए हैं इसके सारे स्विच, हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी बैक पैनल देखते हैं, जो बैक पैनल है इसमें ये स्विच दिए हुए हैं, यहाँ पे मिनी स्विच है ये, पीछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर तक है यहाँ पे। और ऐसे इसमें नीचे डाटा लिख रखा है सारा कुछ जिसमें अपने स्विच सेलेक्ट करनी है। तो अभी पहला जो स्विच है ट्यूबलर, ऐसे में बैटरी पे जो सेलेक्ट करना हो तो ट्यूबलर पे सेलेक्ट करना, तो आपको नीचे करना पड़ेगा और ऐसे में पे सेलेक्ट करना आपको स्विच ऊपर करना पड़ेगा। तो हमने ट्यूबलर पे सेलेक्ट कर रखी है अभी। और ऐसे ही चार्जिंग लो, चार्जिंग हाई, चार्जिंग इनेबल, चार्जिंग डिसेबल, आपको मेन लाइट से चार्जिंग करवानी है या नहीं करवानी है तो वो भी आप इससे ऑन या ऑफ कर सकते हो पीछे से स्विच से। ऐसे ही फिर UPS मोड, हाइब्रिड मोड, इस पर भी आप कर सकते हो, और वाइड UPS और UPS जो पांचवा जो नंबर है UPS और WUPS पे, इस पर भी आप डाउन अप डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे अपने सोलर के कनेक्टर हैं, सोलर के लिए लगा रखे हैं टर्मिनल, और पीछे एक AC फैन दिया हुआ है बड़ा कूलिंग के लिए, और 32 एम्पीयर की MCB इसमें। इन्वर्टर की क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसमें, इसमें दो फैन है, एक DC फैन है और एक AC फैन है। एक 12 वोल्ट में DC फैन तो सोलर के लिए दे रखा है। तो अभी हम इसको अंदर से खोल के देखते हैं। अंदर से खोल दिया, इसका ट्रांसफार्मर है, एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर, इसका SSC कार्ड है यहाँ पे। कूलिंग के लिए AC फैन दे रखा है, मैंने आपको बाहर से भी दिखा था, अब अंदर से दिखा रहा हूँ। हमें ब्रिज की लोड कैपेसिटी भी चेक करके दिखाऊंगा आपको कितना ये लोड उठा सकता है। 2750 मॉडल नंबर इसका ये। ईस्टमैन का इन्वर्टर, इसका मॉडल नंबर है EPT 2750 24 और DC वोल्टेज 24 वोल्ट।
और आउटपुट वोल्टेज है 230, 8% अप और डाउन माइनस प्लस रहेगी, प्रॉपर आपकी 230 वोल्ट नहीं रहेगी, इसमें अप डाउन होती रहेगी वो लोड के हिसाब से 8% अप और डाउन। और नीचे नॉर्मल इनपुट वोल्टेज 230 और जो सोलर की जो रेंज रहेगी वोल्टेज की वो रहेगी 32 से लेके 50 वोल्ट तक। तो 50 वोल्ट का पैनल भी इसमें आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जैसे 550 वाट का आता है वो पैनल भी आप इस पे लगा सकते हो।